बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जो है 70 और 80 के दशक की नामचीन हीरोइन रहीं और बॉलीवुड में जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत यादगार फिल्में की और हमेशा रेखा जो है चर्चा में बनी रहीं। इन दिनों रेखा जो है फिल्मों में काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं दिखती, लेकिन इसके बावजूद वो लाइमलाइट में रहती हैं। रेखा के बारे में कहा जाता है कि वो जो है महारानियों वाली लाइफ जीती हैं, बहुत ही रॉयल लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं, महंगी साड़ियाँ, महंगे गहने, तमाम चीज़ें जो हैं आप उनको अक्सर देखते होंगे वो पहनती हैं और बहुत ही आलीशान लाइफ जीती हैं। लेकिन बिना किसी फिल्म में काम किए हुए आखिर रेखा कैसे इतनी महंगी लाइफस्टाइल को जी रही हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं रेखा के पास अरबों की संपत्ति है। रेखा ने अपने फिल्मी करियर में 196 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, खूब पैसा कमाया और उसे सही जगह इन्वेस्ट किया। इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों के हिसाब से रेखा की संपत्ति $40 मिलियन यानी 25 अरब रुपए है। रेखा के पास मुंबई में ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर रेखा का बसेरा नाम का बंगला है। इस बंगले की कीमत करोड़ों में है। उनके बंगले से अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है। कहते हैं रेखा प्राइवेसी में जीना पसंद करती हैं। इसी वजह से उनका घर चारों तरफ से ऊंची बांस की दीवारों से घिरा हुआ है और बाहरी लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर भी अंदर की झलक पा नहीं सकते। रेखा अकेले समय बिताना पसंद करती हैं और इसके लिए उनके घर के भीतर काफी खुला एरिया है जहां वो वॉक, योगा और मेडिटेशन करती हैं। रेखा को बागवानी बहुत पसंद है और उनके बंगले के आसपास काफी ग्रीनरी है। उन्होंने खूब पेड़ पौधे लगा रखे हैं और उनकी देखभाल में वो अपना अच्छा वक्त देती हैं। रेखा के बसेरा बंगले के अंदर की तस्वीरें कभी बाहर नहीं आई। कहते हैं उनका घर दक्षिण भारतीय शैली में सजा है। घर के भीतर उन्होंने काफी प्लांट्स लगा रखे हैं। वहीं उनके घर में जो भी फर्नीचर है वो काफी महंगे और क्लासिक डिजाइन में है। रेखा की सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच रहती हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि उनके घर के दरवाजों में ऐसे लॉक लगे हैं जो मशीनों से ही खुलते हैं और उसे हर कोई नहीं खोल सकता। रेखा के घर के अंदर कई बॉडीगार्ड्स हैं जो उनसे मिलने वालों को सीधे घर के अंदर तक लेकर जाते हैं। ये तो हुई रेखा के मुंबई वाले बंगले की बात। अब बात करते हैं कि रेखा ने और कितनी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। कहा जाता है रेखा ने हैदराबाद में भी कई घर ले रखे हैं और वहाँ उन्होंने अपना घर किराए पर दे रखा है और वहाँ से उन्हें अच्छा खासा रेंट मिलता है। वहीं रेखा इवेंट्स, टीवी शोज और अवार्ड शोज में शिरकत करके भी करोड़ों कमाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा एक मूवी के लिए 13 से 14 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनकी कमाई ब्रांड प्रमोशन से भी होती है और इसके लिए वो 5 से 6 करोड़ रुपए वसूलती हैं। बंगला और फ्लैट्स के अलावा उनके पास कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। बताया जाता है उनके पास टाटा नेक्सस, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, लैंड रोवर डिस्कवरी और मित्सुबिशी आउटलैंडर हैं। रेखा बॉलीवुड के लिए हमेशा एक रहस्य रही हैं और रेखा के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं पता चल पाती। रेखा की खूबसूरती का राज, रेखा अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है और रेखा का बंगला बसेरा जिसके अंदर की झलक आज तक बहुत लोगों को नहीं मिली है। लेकिन रेखा जो है ऐसी ही लाइफ जीना चाहती हैं, उनको जो है अपनी लाइफ में प्राइवेसी पसंद है। यही वजह है कि रेखा सोशल मीडिया पर ही नहीं है और उनके जो है उनके घर की तस्वीरें भी जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ना ही ये क्लियरली पता चल पाता है कि रेखा जो है उनके कितने घर हैं, कितने बंगले हैं और उनकी जो है इतनी आमदनी कैसे हो रही है और कैसे जो है वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल को जो है जी रही हैं।